नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार के एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैं हूं टाटा टियागो XZ प्लस PS6 वेरिएंट में, और इस वाली गाड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा नया एकदम निकल के आया है। ओल्ड टियागो से काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज है। सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या मिल जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताता हूँ। सो एक बार मैंने गाड़ी की चाबी को ऑन किया तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऑडो की रीडिंग एक बार देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक कर रही है आप देख सकते हैं वो इंजन इमोबिलाइज़र की। फिर जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से काफ़ी शानदार सा इसमें लुक निकल के आता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर टाटा मोटर्स एक बार लिखा हुआ आता है और फिर वो चला जाता है। और इधर की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सारे RPM शो होते हैं, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर शो होता है, और यहाँ पर जो ये लाइट ब्लिंक कर रही है ये फ्यूल की है। सो अभी ये गाड़ी शोरूम में है तो यहाँ पर एकदम एम्प्टी फ्यूल जो है शो हो रहा है। तो बीच में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इंजन की लाइट और बैटरी की लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको टाइम देखने को मिल जाता है, और ये बीच में जो अभी फ्यूल बीच में जो आपको ग्राफ सा यहाँ पर दिखा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर है। इसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। और यहाँ पर आप जो चीज़ देख पा रहे हैं ये ट्रिप ए और बी है, इसे आप इस वाली बटन से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वाली बटन से आप ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज़ बता रहा है ये है ट्रिप टू एम्प्टी 28 किलोमीटर अभी ये गाड़ी चल सकती है। और अगली चीज़ जो ये और यहाँ पर आपको जो चीज़ फ़िलहाल देखने को मिल रही है वो है टेम्परेचर, जो कि अभी शो कर रहा है। ये आउटसाइड का टेम्परेचर यहाँ पर शो करता है, पुरानी वाली टियागो में ये वाला फीचर नहीं था। और यहाँ पर ये माइलेज निकालता है पर्टिकुलर ट्रिप का, और यहाँ पर जो माइलेज आएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक कमाल की बात अच्छी इसमें ये है कि जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल का इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का जो फीचर है वो पहले टियागो में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल होता था, जैसे 2-3 बार यहाँ पर जब शो करता था तब जाकर के ये फीचर आता था। लेकिन इस वाले में मतलब बहुत मस्त, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और अच्छा सा लग रहा है, एकदम डिजिटल सा कुछ तो तरक्की कर रहा है टाटा मोटर्स। बाकी ये था इसका, ये था टाटा टियागो BS6 का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।